नमस्कार, मैं हूं पूजा राय, खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थकों के बाद कांग्रेस के एक और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ अब एमपी में एक और विधानसभा की सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव होना है। अब कुल मिलाकर 25 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये 25 सीटें बीजेपी और कांग्रेस का एमपी में भविष्य तय करेंगी। जहां बीजेपी के लिए सरकार बचाना चुनौती होगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए कमबैक का बड़ा टास्क रहेगा। पूरे विधानसभा का भला हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। और उन्होंने जैसे ही मेरा यदि किया और देखा, मैं आपको बता दूं, मैं डीपीआर भी साथ लाया, उन्होंने देखा और एक मिनट में पीएस को फोन किया और तत्काल ये स्वीकृति दी गई। ये वो काम होता है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिल में दर्द था, उन्होंने देखा, इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था यहाँ पर ग्रहण जिन्होंने की है, ऐसे मेरे मित्र और मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे हैं और उसी भूमिका में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी का मैं बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, आपने सुना कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए वहां का जो गरीब जनता का जो दर्द है, उस विकास के दर्द की जो उत्कंठा है उनके मन के अंदर, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो बुंदेलखंड के अंदर देखा, वो कांग्रेस के अंदर विधायक थे, उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किए, लेकिन जिसको मैं मानता हूं कि उनके मन के दर्द के कारण से जिस प्रकार से बात आज मैं यहां पर उनके मन के अंदर आई, और आदरणीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही, हम सबकी वो मार्गदर्शक हैं, और जिस प्रकार से बुंदेलखंड के लिए आदरणीय उमा जी के मन में भी जो भूमिका हमेशा रही, और मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बंटा ढार को उखाड़ करके आदरणीय उमा जी ने उस समय जो मेहनत की, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को, इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया, तो उनकी भूमिका भी आज हमारे प्रजा लोधी जी के साथ, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको आशीर्वाद दिया है।